विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में आषाढ़ शुक्ल पक्ष के नवरात्र शुरू हो गए हैं। इन नवरात्रों में माता ज्वाला की विशेष पूजा की जाती है। इन नवरात्रों में हर साल की भांति इस साल भी विश्व कल्याण के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसमें 51 पुजारी और ब्राह्मण को विश्व कल्याण के लिए अनुष्ठान दिया जाता है। इन गुप्त नवरात्रों में मंदिर प्रशासन की तरफ से शाम के समय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी किया जाता है। विश्व विख्यात श्री ज्वालामुखी मंदिर में आषाढ़ शुक्ल पक्ष के नवरात्र शुरू हो गए हैं। इन नवरात्रों का विशेष महत्व ये है कि इनमें मां दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। हर साल में दो गुप्त नवरात्र माघ शुक्ल पक्ष और दूसरा आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवरात्र माने जाते हैं। इन गुप्त नवरात्रों में मां सती की विशेष पूजा की जाती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवरात्रों का शुभारम्भ SDM राकेश शर्मा पुजारी, मधुसूदन शर्मा पुजारी, कृष्ण स्वरूप प्रशांत, JP दत्ता, त्रिलोक चौधरी, सौरभ शर्मा, टुन्नू सभी मंदिर न्यास सदस्य ज्वालामुखी ने ज्वाला माँ की पूजा अर्चना हवन व कन्या पूजन कर नवरात्रों का शुभारंभ किया। इस संदर्भ में SDM राकेश शर्मा ने कहा कि इन नवरात्रों में हर साल की भांति 51 पुजारी और ब्राह्मणों को माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक अनुष्ठान किया जाता है। इस अनुष्ठान में दुर्गा सप्तमी के पथ, बटुक का जप, गणपति का जन्म, गायत्री का जप और माँ ज्वाला के मूल मंत्र का जप दिया जाता है और ये अनुष्ठान 8 दिन चलता है और वाले दिन इस अनुष्ठान का हवन भी किया जाता है और पूर्ण आहुति भी डाली जाती है और शाम को मंदिर प्रशासन की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें पूरा पुजारी वर्ग सभी स्थानीय लोग इस हवन की पूर्ण आहुति में भाग लेते हैं और पुण्य का फल प्राप्त करते हैं। आज ज्वालामुखी शक्ति पीठ में गुप्त नवरात्रों का शुभारम्भ स्थानीय पुजारियों द्वारा, मंदिर के न्यासियों द्वारा किया गया। ये गुप्त नवरात्रे माता के सम्मान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाए जा रहे हैं। इन गुप्त नवरात्रों में यात्रियों की सभी सुख सुविधाओं के लिए सारे प्रबंध जो हैं तैयार हैं और इस गुप्त नवरात्रों के उपलक्ष्य में यहाँ लगभग 51 पंडित जो हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ कथा का विशेष आयोजन जो है वो किया जा रहा है, जो नवमी पर जिसका समापन होगा। इस संदर्भ में पुजारी अविनेंद्र शर्मा ने कहा कि इन गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इन नवरात्रों में माँ ज्वाला का प्रकटोत्सव आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। पुजारी वर्ग स्थानीय लोगों व बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा माँ ज्वाला का जन्म दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इन नवरात्रों में 51 ब्राह्मणों के द्वारा एक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें माँ ज्वाला का मूल मंत्र गायत्री, बटुक, गणपति और शत चंडी पाठ का संकल्प लिया है। ये अनुष्ठान विश्व शांति के लिए किया जाता है। इन गुप्त नवरात्रों में माँ की विशेष पूजा की जाती है। इन नवरात्रों में जो भी श्रद्धालु माँ ज्वाला के द्वार पर आता है और पवित्र ज्योति ज्वाला के दर्शन करते हैं, वो मन वांछित फल प्राप्त करता है। इन नवरात्रों में हर साल की भांति विश्व कल्याण के लिए एक अनुष्ठान मंदिर द्वारा दिया जाता है। जय माता की। आज महामाई ज्वाला जी के चरणों में महामाई के जन्मोत्सव के निमित्त गुप्त नवरात्रों का पहला दिन है। महामाई के पहले नवरात्र में आज 51 ब्राह्मणों ने महामाई के मूल मंत्र गणपति बटुक गायत्री के जप का संकल्प लिया है। महामाई से प्रार्थना करें कि महामाई पूरे विश्व का कल्याण करे, सभी भाईचारा और सुख शांति हो। ये गुप्त नवरात्रे विशेष फलदायी होते हैं। जो भी भक्त महामाई से अपनी इच्छा रखते हो, उस इच्छा के निमित्त महामाई के जप और पूजन करें तो महामाई अवश्य उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। मैं महामाई ज्वाला से प्रार्थना करूंगा कि सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता की। सर्व मंगल मांगल्य सेवी सर्वार्थ शारदिकी शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हे महामाई ज्वाला माई, सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली आपकी सदा ही जय हो। सच्चे दरबार की जय।